ये शायर जिसका नाम भूपेन हजारिका है, कितनी आसानी से आवाम के दिलों की आहट सुन लेता है। ये रात जो लोगों के दर्द की रात है, आवाम के गम की रात है, जब उसके सीने में गूंजती है तो वो तलाश करने लगता है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, इनकलाब किस रास्ते से आ रहा है और दर्द किस रास्ते से आगे बढ़ रहा है। वो कान लगाए सुन रहा है और वक्त से पूछ रहा है ये किसकी सदा है। ये किसकी सदा है गूंज रही है, किसकी सदा है, किसकी सदा है, वादी की सीमा पे पहाड़ के पार से दर्द आज गहरा है गूंज रहा है, किसकी सदा है गूंज रही है, किसकी सदा है, किसकी सदा है। कानों में गूंजती है जाने कौन है, गहरे अंधेरे में कोई भी नहीं, से सुनता हूँ देखता भी हूँ शायद अंधेरा है गूंज रहा है, किसकी सदा है गूंज रही है, किसकी सदा है, किसकी सदा है। कहानी में रोती महारानी, बिरहा की मारी कोई रोती बेचारी, भूखा है कोई प्यासा है शायद, जाना सा फसाना है गूंज रहा है, किसकी सदा है गूंज रही है, किसकी सदा है, किसकी सदा है। महारानी और बिरहा के बहन सारे के सारे खामोश हो गए, दर्द को मौत की नींद आ गई, मौत का सन्नाटा है गूंज रहा है, किसकी सदा है गूंज रही है, किसकी सदा है, किसकी सदा है। कोहरे वाली चादर जला के पर्वतों पे सूरज ने खेमा लगाया, वादियों में रोशनी का लावा बहा के अंधेरे की नींद से लोगों को जगाया, आते इतिहास की छाप सुनी है, आते इतिहास की छाप सुनी है, गोर का है शोरी गूंज रहा है, किसकी सदा है, वादी की सीमा पे पहाड़ के पार से दर्द आज गहरा है गूंज रहा है, किसकी सदा है गूंज रही है, किसकी सदा है, किसकी सदा है, किसकी सदा है।